फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। मैं आज हम बनाएंगे हैंगिंग पॉट। इसमें हम 9 o'clock लगाने वाले हैं और इसको हम बनाने के लिए 2 लीटर की बोतल लिए हैं। और अब हम चलते हैं किचन में। ये देखिए, मैं चाकू गरम कर रही हूँ और अभी इससे बोतल को काटूँगी। ये देखिए, जब चाकू बिल्कुल लाल हो गया है तो हम इसको ऐसे कट लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें एक रेक्टेंगल, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उस तरीके का आप स्केच पेन से पहले बना लें और फिर काटें, ताकि ये बहुत गर्म रहता है और बड़े आसानी से कट जाता है। और आप संभाल के काटें कि आप जल भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको काट दिया है। ये इतना बड़ा टुकड़ा इसका हम काट कर निकाल लेंगे। ये हमने इसको अलग कर दिया और अभी हम इसको ना अलग कर देंगे। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसके साथ होल बनाना है, हमें डोरी बांधने के लिए एक होल बनाना है। और ये याद रखें कि ये बराबर होल बनाएं, ताकि ये जब हम डोरी टांगेंगे तो ये डिसबैलेंस ना हो। अब हम गार्डन में आ गए हैं और ये हम डॉट लगा रहे हैं। ये हम बहुत नॉट बहुत मजबूत बांधेंगे, जैसे कि हमारी ये पॉट जो है गिरे नहीं। और ये मिट्टी भरने के बाद इसमें काफ़ी वेट हो जाएगा, ताकि ये टंगी रहे लॉन्ग टाइम तक। और ये डोरी हम लोग इसीलिए लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली। ये देखिए, मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के साथ और टाइल्स वगैरह के साथ में डोरी आ जाती है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसको 2 साल पहले लगाया था और अभी तक कंटिन्यू है। और कोई भी डोरी आप लेंगे तो वो धूप और बरसात में ख़राब हो जाती है। ये देखिए, मैंने इसको बांध दिया है। और अब हम यहाँ पे पेंट लाके कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों हमारे यहाँ अभी, तो हम लोग बाज़ार नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसमें हम कलर नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी कुछ कलर किए थे, अभी आपको दिखाऊँगी। मैंने लगा रखे हैं, करीब 20-25 दिन पहले लगाए थे। और इसमें फ्लावरिंग भी आने लगी है। ये देखिए, मैं इसमें मिट्टी भर रही हूँ। ये मिट्टी मैं गमले से ले रही हूँ। इसमें 50% कंपोस्ट है और आपकी 50% मिट्टी है। इसको हम आधा ही भरेंगे, क्योंकि इसमें ना पानी भरने की भी जगह रहे और इसको पोषक भी कम मिले। अब मैंने ये पुराना एक लगाया हुआ था हैंगिंग बास्केट, इससे मैं ये 9 o'clock तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये 9 o'clock जो होती है कटिंग से भी ग्रो होती है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी हम इसमें डाल के थोड़ा सा हिला देंगे, ताकि ये पानी हर जगह पहुँच जाए और मिट्टी गीली हो जाए। अब हम इसकी ये कटिंग इसमें लगा देंगे। ये बहुत जल्दी ग्रो करती है और 20 से 25 दिन में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ये मेरे पास बहुत सारे कलर में है, बहुत सारे रंगों में है ये मेरे पास। हाँ, मेरे पास ऑरेंज है, रेड है, लाइट पिंक है और वाइट है, रानी है, पीच कलर है और कुछ फ्लावरिंग भी आए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं इसको लगा दे रही हूँ। कटिंग से ही ग्रो करती है, तो आप इजीली इसको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लगा सकते हैं। इसको 9 o'clock बोलते हैं, 9 बजिया बोलते हैं, और हमारे यहाँ दोस्तों इसको कुनैन भी बोलते हैं। ये देखिए, मैंने इसको लगा दिया है। अब हम इसको हैंगिंग में टांग देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये मेरे पहले के लगे हुए हैं, इसमें पेंट भी किया हुआ था। और चाहे तो आप कुछ स्माइली कार्टून वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया था। ये देखिए, बहुत मैं मार्केट से लाई थी। ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने रेड कलर किया हुआ था। ये देखिए, इसमें आज ऑरेंज और पिंक फ्लावर भी आया हुआ है। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ये देखिए, इसमें रेड कलर के फ्लावर लगे हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, इसमें स्माइली भी मैंने बनाई हुई थी। और ये देखिए, अभी धूप आ रही है। मैंने सुबह वीडियो बनाया था, ये सारे फ्लावर इसमें खिले हुए थे। ये देखिए,
इसमें कितने सारे अलग ये हुए हैं, ये देखिए। मेरे पास इसका बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है और मैं इसको लगाती रहती हूँ तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये कटिंग से ही ग्रो कर जाता है, इजीली ग्रो करता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और जल्दी भी होता है, रिजल्ट भी जल्दी देता है। 25 से 30 दिनों में आप फ्लावरिंग अच्छे से देने लगता है। ये देखिए, ये कलर बहुत प्यारा लगता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही आकर्षक, ज्ञानवर्धक और कोई अच्छा सा टॉपिक के लेके। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।